या सो फॉर क्रिएशन ऑफ ऑनलाइन कोर्स फर्स्ट स्टेप इज लॉग इन टू योर मूडल साइट, सेकंड स्टेप इज क्लिक ऑन साइट एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड स्टेप इज कोर्सेस, फोर्थ वन इज मैनेज कोर्सेस एंड कैटेगरीज. ठीक है, राइट नाउ वी हैव सीन दिस फोर स्टेप्स एंड वंस यू क्लिक्ड ऑन मैनेज कोर्सेस एंड कैटेगरीज यू कैन सी दीज टू कॉलम्स. आई होप यू हैव क्रिएटेड एडिशनल कैटेगरी ऑफ योर चॉइस, एमसीए सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू और लाइकवाइज. यस बाय यस डिफॉल्ट वी आर हैविंग वन मिसलेनियस कैटेगरी एंड वन एडिशनल कैटेगरी वी हैव जस्ट क्रिएटेड. नाउ इन दिस कैटेगरी एमएससी सेमेस्टर वन के लिए आई हैव टू क्रिएट अ न्यू पेपर और अ कोर्स. सो यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट न्यू कोर्स. नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएट न्यू कोर्स. आफ्टर क्लिकिंग ऑन क्रिएट न्यू कोर्स दिस पेज दैट इज एड अ न्यू कोर्स पेज विल अपियर एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज. यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, अच्छे से सारी स्टेप्स करनी है. कहीं पे भी कुछ डाउट आता है तो लेट मी नो, आई विल रिपीट इट अगेन एट द टाइम ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन. नाउ यू हैव टू एड हियर योर कोर्स फुल नेम. कोर्स फुल नेम मीन्स द पेपर विच यू आर टीचिंग, द पेपर विच यू वॉन्ट टू कन्वर्ट इन टू ऑनलाइन मोड, उस पेपर का नाम आपको ये कॉलम में डालना है, दिस ब्लॉक दैट इज कोर्स फुल नेम. जैसे मुझे उस दिन बताया था एक सर ने, ऑपरेटिंग सिस्टम, इफ यू आर टीचिंग इन योर कॉलेज ऑपरेटिंग सिस्टम सो यू हैव टू राइट हियर ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट द कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर साइंस इज योर डिसिप्लिन. कंप्यूटर साइंस में या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप एक कोई तो भी पेपर पढ़ा रहे हैं, दैट पर्टिकुलर पेपर नेम शुड मेंशन हियर इन द कॉलम ऑफ कोर्स फुल नेम. देन कोर्स शॉर्ट नेम, इफ देर इज सम आईडी और शॉर्ट फॉर्म इज देयर यू कैन ऐड इन दिस बॉक्स. दीज टू फील्ड्स आर कंपल्सरी फील्ड बिकॉज दे आर शोइंग अ रेड मार्क. सो आपको ये दो फील्ड कंपल्सरीली यहाँ पे फिलअप करना है, कोर्स फुल नेम एंड कोर्स शॉर्ट नेम. कोर्स मीन्स पेपर दैट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कोर्स कैटेगरी. लाइकवाइज एज आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट आई हैव क्रिएटेड अ कोर्स ऑन माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म एंड इट्स शॉर्ट फॉर्म इज MM. थर्ड स्टेप इज कोर्स कैटेगरी. फ्रेंड्स सी, इफ यू आर टीचिंग टू नंबर ऑफ सेमेस्टर, अगर तीन सेमेस्टर्स में आप पढ़ा रहे हैं अलग अलग पेपर, सो दोज मेनी कैटेगरीज यू हैव टू क्रिएट. बट दिस पेपर बिलोंग्स टू विच कैटेगरी दैट यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन. इफ यू क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन अंडर द हेडिंग ऑफ कोर्स कैटेगरी यू कैन सी वन कैटेगरी इज मिसलेनियस, अदर कैटेगरी इज MSc सेम वन. सो फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन यू हैव टू सिलेक्ट दिस रिस्पेक्टिव पेपर बिलोंग्स टू विच सेमिस्टर, दैट सेमिस्टर यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम कोर्स कैटेगरी. दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? कोर्स कैटेगरी पार्ट, यस मैडम, एनी यस मैम, डाउट? नो मैम, ओके. बट हाउ द बाय डिफॉल्ट द MSc सेम वन कैटेगरी इज चूज, नो नो, दैट आई हैव सिलेक्टेड एंड देन आई टुक द स्क्रीनशॉट. ओके ओके, सो इफ यू वांट टू सिलेक्ट द कैटेगरी, सर्च के सामने जो आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है यू हैव टू क्लिक ऑन दैट ड्रॉप डाउन. नंबर ऑफ कैटेगरीज विल बी देयर इंस्टेड ऑफ इंक्लूडिंग मिसलेनियस एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लिस्ट यू हैव टू चूज योर रिस्पेक्टिव सेमिस्टर. नेक्स्ट पार्ट इज कोर्स विजिबिलिटी. कोर्स विजिबिलिटी मीन्स बच्चों को ये कोर्स शो करना है कि नहीं करना है, स्टूडेंट्स को ये कोर्स दिखना चाहिए कि नहीं. राइट नाउ इफ यू आर क्रिएटिंग, बाय डिफॉल्ट वो शो रहता है, आप उसको शो ही रहने दीजिए. बिकॉज इफ यू क्रिएट ऑल द कंटेंट्स एंड इफ इट बाय मिस्टेकन इफ इट इज क्लिक्ड ऑन हाइड तो स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सी दैट पर्टिकुलर कोर्स. सो काइंडली मेक इट एज शो बटन इंस्टेड ऑफ हाइड बटन. द नेक्स्ट स्टेप इज कोर्स स्टार्ट डेट एंड कोर्स एंड डेट. इफ यू डोंट वॉन्ट टू चेंज मेक एनी ऑफ द चेंजेस, लेट इट एज इट इज. बट इफ एज वी आर टॉकिंग अबाउट सेमिस्टर विच इज ऑफ 5 to 6 months, सो यू कैन गिव पर्टिकुलर स्टार्ट डेट फॉर दैट पर्टिकुलर पेपर एंड एंड डेट फॉर रिस्पेक्टिव पेपर. ए दिस कोर्स आईडी नंबर इफ इट इज मेंशनड इन योर प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस. सिलेबस के ऊपर आप देख सकते हैं हेडर में, एज फार एज अवर आर टी एम एन यू इज कंसर्न, एवरी पेपर इज हैविंग इट्स आईडी नंबर.
So that ID number you can mention here. It is not a compulsory part. You can skip this much, this part also. Hello. The next, yes, sir. Whether after this date, this course will be inactive? Not Or it will be it live? cannot be accessible by the student. Okay. Okay. Generally, what I suggest is don't make any sort of changes here. You just decide whether you want to show it or hide it. And remaining thing, if you don't change, that will be okay. Generally, main is cheez ko kabhi chhedti nahi hoon. Course started and ended. Let it as it is. I just click on this course visibility, either show or hide. So this option you can explore. The next part and the important part is description. Below that, course summary tab is there. So this box you have to understand very carefully. If you remember in the homework part, I have given one word file having course summary. Have you created that course summary file? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So abhi aapko simple, yes, you, what you have to do is you have to open that word file in the next window or next tab and copy that course summary from your word file and paste it here in this box. अगर आपने कोर्स समरी वर्ड फाइल में क्रिएट नहीं की है यू कैन टाइप ऑल्सो इफ यू हैव नॉट क्रिएटेड वर्ड फाइल ऑफ दैट कोर्स समरी यू कैन टाइप इन दिस बॉक्स ऑल्सो बट सेफर साइड आई हैव मेंशन दैट कि यू प्रिपेयर योर कोर्स समरी टू कर्टल अवर टाइम पीरियड सो यू जस्ट वॉन्ट टू कॉपी फ्रॉम द वर्ड एंड पेस्ट इन दिस बॉक्स एनी डाउट Till now, any doubt? No, madam. Okay. Course summary का part समझ में आ गया है. No. Course summary tells the student about the name of the paper, the name of the facilitator or a teacher, and brief description about that particular paper, which type of units they want to study, which type of assessment, उनका theory, practical, कितने marks का रहेगा, suggested readings also I have given. So it is just to publishing your particular paper or a give highlight about your paper that comes under course summary. Now apart from that, if you want to add one of the video related to course summary, you can also add in this section. One thing I missed, ये भी मैंने आपको बता देना चाहिए था उसी दिन, but don't worry, अभी भी आप लोग इसको कर सकते हैं. The course summary which you have created, you have to make one small 1 or 2 to 3 minutes video on this course summary. Just take your mobile and with the simple mobile application, you can explain the student about this particular paper and save that video or upload that video in the YouTube. So, wo video aapka rahega course summary ka video. Right now, if you don't have that particular video, we will take any video related to your paper from the YouTube. And you have to add that video in our course summary tab to make your course more catchy and more acceptable by the student. So student ye padhne se better wo video ko bhi agar dekhte hai aur sunte hai to unko wo paper ke bare mein aur acche se samajh mein aa jayega by looking at your face. So that will be more catchy for the students. Can you make a small video on course summary after this particular session? Is it possible for all of you? Yes, madam. I already have a video, ma'am, on YouTube. So related to that particular paper. Course, yes, ma'am. Yeah. Not that, but HTML. Okay, so, okay. No issues. So you okay. can pick that video. I'll just explain the step how to incorporate that video in the course summary. Okay, rest of the participants, those are not having the video ready. आप 5 मिनट में भी वो समरी आपके सामने है लैपटॉप में, उसको जस्ट रीड करिए. फ्रेंड मतलब आप बच्चों को एक्सप्लेन करिए, हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस पेपर यू आर टू सी दिस दिस पार्ट. लाइक वाइज यू हैव टू एक्सप्लेन द कोर्स समरी. जस्ट 2 to 3 minutes वीडियो यू हैव टू क्रिएट एंड अपलोड दैट वीडियो इन द यूट्यूब. यू आर हैविंग द स्टेप्स हाउ टू अपलोड वीडियो इन द यूट्यूब. सभी को पता है वीडियो यूट्यूब में अपलोड कैसे करते हैं? यस मैडम, आई हैव गिवन द स्टेप्स इन द प्रिपरेटरी वीडियो इटसेल्फ. सो नाउ वी विल सी इफ यू आर हैविंग मैम
यस ये एक बार फाइल कोर्स समरी कैसे अपलोड किया आपने एक बार? कोर्स समरी की फाइल आपने बनाई है मैडम, वर्ड फाइल जो मैंने बताया था, यस मैम, ठीक है, दैट इज इन द वर्ड फाइल. यू हैव टू कॉपी दैट कोर्स समरी फाइल, नॉट वर्ड फाइल, बट ओपन द वर्ड एंड कॉपी द टेक्स्ट फ्रॉम द वर्ड एंड पेस्ट दैट टेक्स्ट इन दिस बॉक्स. राइट क्लिक करके पेस्ट करिए. मैं डेमोन्स्ट्रेशन में भी आप लोगों को बताती हूँ फिर, ठीक है? ओके मैम. नाउ द मेन पार्ट इज हाउ टू एड द वीडियो इन दिस पर्टिकुलर बॉक्स. दिस कोर्स समरी आई हैव एडेड. नेक्स्ट स्टेप अपनी आएगी हाउ टू अपलोड अ वीडियो फ्रॉम यूट्यूब इन द कोर्स समरी. वी आर नाउ ऑन द सेम पेज, कोर्स एडिशन वाले पेज में ही है. इस पेज में आपको अभी ऐड करना है वीडियो. सो शैल आई गो विद द डेमोन्स्ट्रेशन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन द बेटर वे? प्लीज लेट मी नो. यस मैम. ओके, बिकॉज दैट इज समवॉट टेक्निकल, तो पीपीटी से उतना अच्छे से नहीं समझेगा. वी विल गो विद द डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट. टिल नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन मी द स्टेप वेल आई विल प्रिपेयर अ न्यू कोर्स. So what will be the first step for creation of new course up till now, what we have studied? If this is your Moodle site. Site admin. Yes. Login. Login kar diya maine. Then go to course. Site administration. Site administration. Then next. Then courses. Course Scroll down. Courses and categories. Courses. Add new category. Sorry, add new course. Yes, yes. Wait. Manage courses and categories. Wait. Let it complete. Yes. यहाँ तक अपन पहुँच गए थे. Now where I want to click? Create new course. Yeah. Create new course. Good. Now this page will be there. There I will add. Yes. आप लोगों के लिए मैं एक demo course बनाती हूँ. Demo course RC NCS IT and applied electronics. ठीक है, रिफ्रेश. बाकी लोग प्लीज म्यूट यूर सेल्फ. पराते सर काइंडली म्यूट यूर सेल्फ. ठीक है, सी फ्रेंड्स, कोर्स कैटेगरी बाय डिफॉल्ट देयर इज मिसलेनियस, बट आई वांट दिस कोर्स इन सेमिस्टर टू फॉर एग्जांपल. सो आई विल गो विद दिस ड्रॉप डाउन एंड कन्वर्ट दैट इनटू एमएससी सेमिस्टर टू. Now by default it is show. I will not change any start date or end date. It will remain as it is. Course ID I don't know, hence I will not add. We are here on course summary. Right? Okay. Now course summary I have created for you. It is there or not? Let me check. Just a minute. See, can you see this course summary word file? Yes madam. So likewise you have also created. I am double clicking that. This is our course summary. I am taking this much portion about my particular paper. Control C. I am going back to our Moodle tab, and in this summary box I am pasting it. Just a minute. Just, yeah. Got it? Till now, any doubt in the demonstration? No, madam. Now, the next step is the course summary. Huh? The alignments are changed. Now it is to the left alignment only. You can do it at the center from here. I just want to show you this palette. Can you see this header region? So you can make bold. यहाँ से आप ये सारी चीजें अपने वर्ड जैसे ही है आप लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, देन सेंटर, लेफ्ट रोटेशन, राइट. अभी अगर आप देखते हैं आपके साइट में यू कांट सी मच ऑफ द टैब्स. ये एडिशनल टैब्स कैसे लाना है वो भी पार्ट में बताऊंगी बाद में इन अदर कस्टमाइजेशन. अभी मेरे इसमें आप लोगों को ये कलर्स वगैरह दिख रहे हैं, बट आपके इसमें फिलहाल वो ऑप्शन ओपन नहीं है कलर वाला, या तो कलर पैलेट एडिशन, दैट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन.
Got it? Shall we move ahead? Yes, ma'am. Yes, yes. Hello. Huh. Ma'am, while doing the homework of Moodle site, at that time I click on the add category instead of manage category. Is it wrong? No, no, no. That is also one of the steps. Yesterday also I explained either you go through manage category or you can directly click on add a category. That is okay. also okay. ठीक है. अभी आगे का पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, वो भी आप लोगों को इजीली आ जाएगा. नाउ आई वांट टू ऐड अ वीडियो रिगार्डिंग माय पेपर इन दिस पर्टिकुलर बॉक्स दैट यू हैव टू डिसाइड वेदर दैट वीडियो शुड अपियर अबव द टेक्स्ट और बिलो द टेक्स्ट. सो वेयर इज माय वीडियो सेव्ड राइट नाउ? आई हैव अपलोडेड माय वीडियो इन द यूट्यूब. सो व्हाट यू हैव टू डू इज open in new tab. I am opening the new tab. There I want YouTube. YouTube में जाने के बाद जिस किसी नाम से आपने वीडियो को सेव किया होगा, you have to search in this search window. For example, I am searching by the name. This is, for example, this is your preparatory video on course summary. Just note down the steps how to take video. First, what I did is open new tab, go to youtube.com, select your respective video, open that video. Once the video is opened or in play mode, you have to stop or pause the video. After that, right click on the video and fourth option you will get copy embed code. Copy video URL नहीं करना है, बहुत बार ये गलती होती है. You have to take copy embed code and this code is in HTML format. I am clicking on copy embed code. And I go back to my Moodle tab. But friends, that code is in which format? जो code मैंने अभी लाया है वो किस format में है? HTML. But my course summary is in ABCD language, that is in our alphabetical form. So either I want to change this summary into HTML or that code into normal language. But I can't change that YouTube code. So what I will do, I will change this summary first into HTML. So for that, you just have to select it. And can you see this button? Edit HTML source. Can you see this? Yes, ma'am. Yes, I am clicking on this HTML tab. Just a minute. एक मिनट हाँ, लेट मी ऑन माय वाईफाई. प्लीज वेट फ्रेंड्स, प्लीज. Yes, I want to add this information once again.
Yeah. Can you see now? Yes, Hello. yes. Yes. Yeah. So कहाँ पे थे अपन? I am changing this course summary into HTML format. You have to first select that course summary and click on initially ये palette ऐसी रहेगी. You have to expand that and you will see this HTML icon. Click on it. Why? Yes. So this type of window will pop up. This is the HTML format of your course summary. Can you see the cursor at the end? Can you see this yes, cursor? हाँ but अगर मैं वो जो HTML code जो मैंने YouTube से लाया है अगर मैं यहाँ पे paste करती हूँ so that video will appear at the end of the summary. But if I want that video at the start of the summary, you have to click on the first icon that is an entering twice because I want video at the top. अभी वो HTML कोड शायद चला गया होगा. आई विल गो बैक टू यूट्यूब, राइट क्लिक, कॉपी एम्बेड कोड एंड नाउ आई एम पेस्टिंग दैट कोड हियर. सी एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यूट्यूब कोड हैविंग द स्टार्टिंग आई फ्रेम टू आई फ्रेम. व्हाई यू वांट टू रिमेंबर दिस आई फ्रेम टू आई फ्रेम? बिकॉज इफ इन फ्यूचर यू वांट टू डिलीट दैट वीडियो देन you want to check whether that video or that particular link starting from iframe to iframe or not. So this is the code of your video and finally click on update. Now you can see in the course summary at the top my video is there and below that regarding our course, course summary is there. Can you see this? Yes. Any doubt? Yes, madam. Any doubt in adding YouTube video from YouTube into the course summary till now? Any doubt? Can you please repeat from where we have? Ma'am, cannot we upload video from our local device? Like I have made a video through my mobile device and then get transferred to my laptop or whatever I'm using, then upload it from that location. No, Why sir. Should we we go can't. For YouTube? No, sir. We can't upload directly video here. ठीक है बिकॉज यू वॉन्ट टू टेक अ कोड ऑफ दैट वीडियो एंड दैट कोड वी कैन नॉट गेट फ्रॉम अवर पर्सनल डिवाइस. ओके 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 आई गेट इट. यूट्यूब एंड टेक द एम्बेड कोड ऑफ दैट. आई एम और गूगल ड्राइव क्या इफ इट इज स्टोर्ड इन गूगल ड्राइव? सर गूगल ड्राइव से यू विल गेट यूआरएल. यस बट दैट यूआरएल यू कांट पेस्ट हियर एंड दैट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ लिंक ओनली. That will appear okay. in the form of link only. Okay. Ma'am, yes. See this video is your itself. Okay, so yeah. if you want to paste some other what you can say somebody else's video. Yeah. Yes, you can do that. You can do that. So same procedure is there. Same procedure. If in between I thought that this video is not good, now I want to remove this video. Okay, so for removing the video again you have to change the whole into HTML. I just now I said video ka jo code hai wo kaha se start hota hai? iframe to iframe. That's iframe it. To iframe. So you have to remove from iframe to iframe. I am deleting and update. See, video is not there, only course summary. Likewise, once again, I will repeat the step to how to add the video. जिन लोगों का कुछ miss हो गए होंगे step, तो please note down कर लीजिए. We are at the same page. मैंने कहीं पे भी अभी तक save changes नहीं किए हैं. किस पेज में है? We are at the same page. Add a new course वाले पेज में ही हैं अपन लोग. यहाँ पे course summary वाले tab में है. ठीक है? Now, anybody can tell the steps if they have noted. Anyone? Now I want to add the video. What I want to do? Madam, first of all, huh? You need to go to the YouTube window, YouTube tab. Yes. Then click on right click on a video. Then whatever the video. Yes, yes. The video yes. of your choice. First, you have to open that video. That thing you have to remember. You have to open. Then pause the video.
paths are sharp. Yeah. Then copy the right after right right clicking, right. Copy the embed code. Copy the embed code. Embed code. Copy embed code. Go to the to Moodle. Then now go to course summary. Then we need to convert this course summary into the HTML code. Yeah. For that we have to go to course summary header section and click on the opening closing bracket slash means HTML code. One step you missed, that first we have to select the course summary. Select the course summary and then click on HTML. अभी मुझे लगता है कि मैंने वीडियो को नीचे रखना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, आई विल क्लिक जस्ट वन एंटर एंड पेस्ट दैट कोड हियर एंड क्लिक ऑन अपडेट. अभी देखते हैं वो वीडियो आया है कि सी अबव देर इज ऑन द टॉप कोर्स समरी इन टेक्स्ट फॉर्म एंड सेम कोर्स समरी वीडियो और रिलेटेड वीडियो विल अपियर एट द बॉटम. Got it? Any doubt? No, ma'am. ठीक है, चलिए आगे. ma'am, I'm not touching the HTML. Ma'am. Yeah. I'm not getting that HTML. HTML source button in my window. Sir, please don't do it simultaneously. First, you just note down the step. I will give the time of 15 to 20 minutes. And I will be there in the meeting. At that time, I will explain you individually. Right now, is it okay? You just note down the steps. Okay? Okay, okay. Yes. Please don't do it simultaneously. You may face some error. Now, I am scrolling down the page. This part, you just skip this part. It is not that much important. Course image, if you have any photograph of your group photo, or some other image related to your course, you can add, but it is not a compulsory part. So I am skipping that part. Next one is course format. I am clicking on course format. Below the course summary, you will get course format. By default, there is topics format. You can see, friends, it's drop down if I click. There are four different types of format of our particular course. Single activity format, social format, topics format, and weekly format. So out of that, as far as our syllabus of respective universities are concerned, we are having different units. So unit wise, if you want to make a course, you can click on topics format, or if week wise you want to create a course, like in our course, that is 4 week FIPs are there, 2 weeks refresher courses are there, 1 week short term courses are there. So I can make it weekly format also, but my suggestion is always go with topic format. You can make lot of changes if you prefer topics format. Topic means one topic is equivalent to your one unit. You can correlate that. So I am preferring topics format. How many topics or how many units are there in your syllabus? So number of sections you want to mention here. If you are having 3 units in your syllabus or 5 units, depending upon your syllabus, you want to change it. Then rest of the part, don't make any sort of changes. Then scroll down the page and save and return, or you can click on save and display. I am just clicking on save and display. ठीक है, आफ्टर क्लिकिंग ऑन सेव एंड डिस्प्ले सच टाइप ऑफ पेज विल अपियर एंड यू मे गेट कंफ्यूज वेयर टू गो. सो ऑन द लेफ्ट साइड कैन यू सी दिस साइट होम एट द बॉटम. कैन यू सी दिस साइट होम? यस मैडम. सो जस्ट क्लिक ऑन साइट होम, यू विल ऑन द फर्स्ट पेज एंड लेट्स सी वेदर अवर डेमो कोर्स इज बीन एडेड और नॉट. Where is site home? Just a minute, it is not saved, I think. No, ma'am, you are at hrdcgenomeo.com.
Yes, I made that in this only, no? I made that in this only. It will be there. 1 minute, huh? I will shortly do it again if there are some error, because in between some network issue was there. Yes, it is there at the bottom. Can you see this? Demo course RCCS IT, just now we have created. Generally it appear at the top, but I don't know why it is at the bottom. You can shift it later also, that I will show you in other customization. We have added course summary, and below that the video is there. Can you see this much part? Do bar add ho gaya hai, because I have created two courses, one by demo course and other by. अभी देखिए, गलती से अगर ऐसा होता है कि एक ही कोर्स अगर दो बार रिपीट हो गया है गलती से, सो तो अपना एक काम क्या रहेगा, उसमें से एक कोर्स अपने को डिलीट करना है. ओके, आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? यस 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 मैम. ठीक है, अगर आपका रिपीटेशन में दो कोर्सेज बन गए हैं, अगर एक कोर्स आपको डिलीट करना है, एंड दिस टास्क कैन बी डन ओनली बाय एडमिनिस्ट्रेटर, सो फॉर डिलीशन ऑफ एनी कोर्स अगेन गो टू साइट एडमिनिस्ट्रेशन. ये छोटे छोटे कस्टमाइजेशन है, ये भी आप लोग याद रखिए. साइट एडमिनिस्ट्रेशन में क्लिक ऑन कोर्सेस, मैनेज कोर्सेस एंड कैटेगरीज. यू कैन सी द लिस्ट ऑफ कोर्सेस विच यू हैव क्रिएटेड. जैसे अभी अपना ये एक्चुअल वाला चल रहा है. बिफोर दिस वी हैव जेंडर सेंसिटाइजेशन, आरसीन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, आरसीन आईटी अवेयरनेस, पीपीएचडी कोर्स वर्क एंड सो ऑन. वेयर इज दैट कोर्स, व्हाई इट इज नॉट विजिबल? एक मिनट, हाँ, लेट मी चेक. प्लीज गिव सम टाइम, लेट मी चेक. इट इज नॉट विजिबल एट द टॉप. So right now these many steps are clear to you, how to create a course and how to add course summary. Is it clear to everyone? Yes ma'am. Ha, so now I am giving you the time of 15 minutes. You just stay connected in the meeting, don't leave the meeting, but open your new tab and start creation of your own course. Will it be okay? Simultaneously we will do. And I am with you. If you face any difficulty, please unmute yourself and ask. Ma'am, if I don't have any video, yeah, can I just give the course summary now, and later on can I add it? Yes, later on also you can add it, but right now for practice purpose, you take any video related to your paper any from video. The YouTube. Okay. 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 Yeah. You madam, once we created that the course summary, and yes, then after we have to make that the some changes to init. Yes, can we make that, it? Yes, that you can do. This I will show you how to change course summary later. Just a minute. Can you see the screen? No. Yes, madam. Yes. Yes. The course summary of that respective video, that respective paper which you want to change. फर्स्ट ओपन दैट कोर्स. जिस किसी पेपर की कोर्स समरी एडिट करनी है और चेंज करनी है, उस पेपर को ओपन करना है. मतलब इसको मैं अभी क्लिक कर रही हूँ, आई एम क्लिकिंग ऑन दैट पेपर, एंड एट द राइट कॉर्नर यू कैन सी दिस गियर ऑप्शन और सेटिंग ऑप्शन. आई एम क्लिकिंग ऑन दिस ड्रॉप डाउन, एंड द फर्स्ट ऑप्शन यू विल गेट दैट इज एडिट सेटिंग. I am clicking on edit setting, and you are on the same page, sir, where we were on course summary addition page. Got it? Yes ma'am. And there you can make any sort of addition, deletion, jo bhi aapko karna hai aap yahan pe kar sakte hain. But go down and okay, again click on save and display or save changes. That is compulsory. Okay madam. So okay, at any time you can make changes in your respective course. My Moodle site display the edit block editing on. Why this? On which page, madam? Front page. Yes, it is there. From my side also, it is there on my HRDC site also.
Let it as it is, ma'am. Let it as it is. Don't okay, do anything. Okay. So do this task. Now it is 11:13. So we will come back rather on 11:30. हो जाएगा 20 मिनट्स में आप लोगों का अब तक का टास्क. Yes, madam. हाँ, अगर yes, पहले भी हो जाता है तो मुझे बताइए. आई एम देयर. अपन आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे. अगर 10 मिनट में भी हो जाता है सो वी विल प्रोसीड. मैम हाउ टू प्रीव्यू. हाउ टू प्रीव्यू. यस. एज एडमिनिस्ट्रेटर यू कैन प्रीव्यू एट एनी टाइम सर. This is a preview of your course. At this, adding one video. वो video दिखा रहा है. मगर already वो short form of the course is already present. So previous वाला जो upload हुआ था वो कहाँ पे? Sir, I am not getting. मैं दो बार upload कर दिया. तो वो video दिखा रहा है. Video दो बार upload किया है. Same name already available है. वो दिखा रहा है कि first time जब upload किया तो वो हो गया मगर नहीं दिखाया. तो second time जब कर रहा हूँ वो output दिखा रहा है और दिखा रहा है कि the short form of the course is already available. तो वो previous वाला तो नहीं दिखाया था. तो वो कहाँ पे था? Sir, go to site home. Okay. Go to site home and see whether your course is visible or not. And in that course, our course summary and our video is visible or not. Just check that first. Where is the site home? At the left side. On the left side, many times what happens, can you see these three horizontal line on my screen? Yes, many times, agar aap ispe click karte, toh wo hide ho jata hai. Uske upar aap click kariye, wo aa jayega. Yes. परफॉर्म करते समय किसी को कुछ डिफिकल्टी आ रही होगी तो आप प्लीज पूछिए अनम्यूट करके. So next step is course content addition. How to add a course content and design a course. Step number 7, madam. Step number 7, how to add course content. If it is your particular course, just now you have added course summary and a respective video of that particular paper. Now I want to add some details about myself as a teacher, my photograph, my brief bio data, and then I want to add syllabus, complete syllabus in PDF format. Then unit wise I want to add notes, reading material. Wo sara task abhi apan ye wale step mein karenge. So for that, again click on the course. Now we are inside the course, our particular paper. अभी आपने मुझे एक participant ने पूछा था कि ये topic 1, 2, 3 दिख रहा है, उसको भी अपन धीरे धीरे change करेंगे. But right now, this page is not in the editable mode. First of all, you have to click on turn editing on. Can you see this blue color tab, turn editing on? Yes, ma'am. Please respond. मुझे लगता है कि फिर मेरी आवाज ही नहीं आ रही है. Am I audible ना? Yes, ma'am. So first you want to click on turn editing on. Please don't do it simultaneously. First note down the step. I will give you again 15 minutes time and then proceed. चलिए. Now at now when I clicked on turn editing on, you can see this edit options, add an activity or resource, again edit. Now this page is in editable mode. You can add or delete anything from this page. So one by one we will go.
Can you see this first edit section? Yes, madam. Yeah. So on this header region, I want to add my photograph, my paper full name, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालने हैं, मेरा ब्रीफ बायोडेटा की लिंक डालनी है. सो दैट थिंग आई विल ऐड इन द हेडर रीजन फॉर विच यू हैव टू क्लिक ऑन फर्स्ट एडिट. यहाँ पे दो एडिट दिए हैं, उसमें से पहले एडिट को क्लिक करिए या तो क्लिक करना है. वंस क्लिक्ड ऑन फर्स्ट एडिट, सेकेंड स्टेप इज क्लिक ऑन एडिट सेक्शन. क्लिक ऑन एडिट सेक्शन. Now you will in the page of summary of general. So here what you want to do is custom word is there, and before that one small square box is there. You have to click on this box and it will get tick mark. अगर ये ऐसा है और मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है तो it is not accessible. So first I want to click on this custom box. Now I can add here welcome dear students. Whatever you want, good morning, welcome, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं. मैंने लिखा है welcome dear students. उसके नीचे आपको एक बॉक्स दिखेगा, summary का बॉक्स. ये वाले बॉक्स में अभी मुझे मेरी इंफॉर्मेशन डालनी है. पहले तो मैं कोर्स का नाम लिख लेती हूँ, नेम ऑफ द कोर्स और पेपर, वॉट एवर इट मे बी. जो मैंने लिया है डेमो कोर्स आई थी. देन ड्यूरेशन उसका क्या है, और फ्रॉम 13 September to 25 September 2021. बट आई वॉन्ट इट इज इन इट शुड बी एट द सेंटर, मेकिंग इट सेंटर बोल्ड. अगर उसका फॉन्ट साइज इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज इटैलिक, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन चेंज इट. Now below that I want to add my photograph. आप इसको सेंटर में ला लीजिए कर्सर. इन द फर्स्ट पैलेट यू कैन सी दिस इमेज आइकॉन, इंसर्ट ऑब्लिक एडिट इमेज. आई विल क्लिक ऑन इंसर्ट ऑब्लिक एडिट इमेज. देन क्लिक ऑन फाइंड और अपलोड एन इमेज. आपके एक फोल्डर में आपका जेपीजी फॉर्मेट में फोटोग्राफ है, वो अभी अपन यहाँ पे लाते हैं बाय क्लिकिंग ऑन फाइंड और अपलोड एन इमेज. अभी ये आप लोग फैमिलियर हैं इस विंडो से. नेक्स्ट स्टेप रहेगी चूज फाइल. वेर एवर योर फोटो इज सेव्ड इन वन फोल्डर और वॉट एवर द लोकेशन इज देयर. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. आई एम क्लिकिंग ऑन माई फोटो and then click on open. Next step is upload this file. ठीक है, and finally click on insert. Okay. अभी देखिए ये फोटो बहुत बड़े साइज का आ गया है, टेक्स्ट कम दिख रहा है और अपना फोटो ये बहुत ज्यादा दिख रहा है. इसको रिसाइज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर लीजिए एंड डायगोनली हमेशा रिसाइज करना. So that equal effect आएगा उसको. I have resized my photo. Then enter. I am writing my name, name of the teacher, or directly you can write your name. You can give your contact details. You can give your mail ID. यहाँ तक तो चीजें इजी है. यहाँ तक स्टेप समझ में आ गए फ्रेंड्स? किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिए. नो मैम. ठीक है, नाउ आई वॉन्ट टू एड माई ब्रीफ बायोडेटा बिलो दिस पर्टिकुलर थिंग. बट इंस्टेड ऑफ एडिंग अ होल पैराग्राफ आई विल एड द लिंक ऑफ माई डॉक्यूमेंट और लिंक ऑफ माई बायोडेटा. आई आस्क यू टू अपलोड यूर ब्रीफ बायोडेटा इन यूर जी ड्राइव. हैव यू अपलोडेड दैट बायोडेटा इन जी ड्राइव? यस. अगर किसी ने नहीं किया होगा तो वो जो आपकी बायोडेटा की फाइल है उसको जी ड्राइव में अपलोड कर लीजिए. अभी मैं मान के चलती हूँ कि आपका बायोडेटा जी ड्राइव में है,
वहां से वो बायोडाटा की लिंक यहाँ पे आपको लेनी है. सो हाउ यू विल डू दैट, फर्स्ट यू हैव टू टाइप द वर्ड्स, आइदर ब्रीफ बायोडाटा यू कैन टाइप और यू कैन टाइप अबाउट मी. आप लोगों पे डिपेंड करता है आपको इसको कैसे फ्रेम करना है. सो फर्स्ट यू नीड टू टाइप दीज पर्टिकुलर वर्ड्स, सिलेक्ट द वर्ड. आफ्टर सिलेक्टिंग इन द फर्स्ट पैलेट यू कैन सी द फर्स्ट लिंक आइकॉन, इंसर्ट ऑब्लिक एडिट लिंक. ये मैं दो बार करके बताऊंगी, पहली बार आप लोगों को अगर कुछ स्टेप्स नहीं समझती है तो. क्या किया हमने, ब्रीफ बायोडाटा कि वहाँ अबाउट मी ये वर्ड्स मैंने लिखे हैं. अभी मैं इन वर्ड्स को सिलेक्ट कर रही हूँ, आई एम सिलेक्टिंग दीज वर्ड्स, देन आई एम क्लिकिंग ऑन इंसर्ट ऑब्लिक एडिट लिंक. अभी मुझे यहाँ पे मेरे बायोडाटा की लिंक पेस्ट करनी है, तो वो लिंक मुझे कहाँ से मिलेगी? मैम इट कैन बी वर्ड और जी ड्राइव. That means I have to, in new tab, I need to open my Gmail or whatever you are having your mail ID. I am opening my Gmail. There I will go to Drive. Ma'am, it should be in PDF or Word, ma'am. No, not necessarily. It can be in the Word also. Okay. Yeah. ठीक है. अपन ड्राइव में आ गए हैं. इफ इट इज योर, दिस इज माय डिटेल बायोडाटा एंड दिस वन इज ब्रीफ बायोडाटा. सो आई विल प्रेफर टू गिव ब्रीफ बायोडाटा. सो एनीबडी प्लीज टेल मी हाउ टू टेक लिंक ऑफ दिस डॉक्यूमेंट. ये भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था, प्रिपरेटरी वीडियो में. एनीबडी राइट क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट. यस, राइट क्लिक, देन क्लिक ऑन गेट लिंक. यस, क्लिक ऑन गेट लिंक. गुड. नेक्स्ट नेक्स्ट कॉपी लिंक. कॉपी लिंक, क्लिक ऑन कॉपी लिंक, गो टू अवर मूडल एंड पेस्ट. राइट क्लिक करके पेस्ट करिए वो लिंक को एंड इंसर्ट. ठीक है, ये देखिए वो बायोडाटा की लिंक यहाँ पे आ गई है. नेक्स्ट टास्क इज सेव चेंजेस. See, on the header region, such type of changes I have made just now. Got it? This much part? यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछिए. Got it. Got it. कर पाएंगे आप लोग? Yes, yes, yes madam. Yeah, good. अभी अपन आगे का और थोड़ा पार्ट पढ़ते हैं, फिर मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम देती हूँ परफॉर्म करने के लिए. फिर से बायोडाटा की लिंक कैसे लेनी है समझ में आ गया कि एक बार रिपीट करना है सभी लोगों के लिए? किसी को रिपीट वंस. या आई विल रिपीट इट अगेन. अभी देखिए मैं आपको एट अ टाइम दो चीजें बता रही हूँ. यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस भी करने हैं तो वापस अपने को यहीं पे जाना पड़ेगा. अगेन यू गो टू एडिट, एडिट सेक्शन. ठीक है, नाउ वी आर एट द सेम पेज. यहाँ पे मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक अगर करी होगी तो वो भी अपन चेंज कर सकते हैं. अगेन आई विल एक्सप्लेन हाउ टू ऐड द लिंक ऑफ द बायोडाटा. फर्स्ट यू हैव टू राइट सम वर्ड्स. फॉर एग्जांपल नाउ आई एम राइटिंग अबाउट माई सेल्फ. वो वर्ड्स लिखने के बाद कोई स्टेप रिपीट कर सकता है? इसके बाद अपन ने क्या किया था? एनीवन? वर्ड्स लिखने के बाद व्हाट यू हैव टू डू? सेलेक्ट, या सेलेक्ट द अबाउट मायसेल्फ, सेलेक्ट द वर्ड, या सेलेक्ट द वर्ड, देन क्लिक इंसर्ट एडिट लिंक आइकॉन्स, दैट इज द फर्स्ट. या इंसर्ट एडिट लिंक, गुड. फिर गो टू ड्राइव. गो टू ड्राइव एंड सेलेक्ट योर बायोडाटा, देन राइट क्लिक, या कॉपी लिंक, गेट लिंक एंड देन क्लिक लिंक. Copy link. Link is copied. Go to your Moodle site. Paste the link and paste here. Yeah. And then click on insert. Insert. Yeah. And finally, ये होने के बाद save changes करना भूलना नहीं है. बहुत बार अपन back चले जाते हैं और changes save ही नहीं होंगे.
save changes. मैडम समझ लो, जिसको रिपीट चाहिए था उनको समझ में आ गया? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. राइट नाउ आई एम स्कीपिंग दिस पार्ट ऑफ अनाउंसमेंट बिकॉज अनाउंसमेंट राइट नाउ इट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट इशू. आप लोग यहाँ पे अनाउंसमेंट ऐड कर सकते हैं बट फिलहाल के लिए मैं उसको स्किप कर रही हूँ बिकॉज दैट इज़ अ वेरी माइनर पार्ट. फ्रेंड्स हमेशा थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे से करने की कोशिश करिएगा. कहीं पे भी कुछ भी फाइल ऐड मत करिए, मतलब बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं अगर अपन कोई भी फाइल कहीं पे भी ऐड करते हैं. अगर आप अपनी एचआरडीसी के अपनी साइट जो रोज सुबह देखते हैं उसमें आपको इनिशियली क्या क्या चीज़ें मेंशन की है ये वाला पार्ट आपको दिखेगा. दिस पार्ट यू कैन सी इन अवर कोर्स ऑल्सो. इसके बाद मैंने कुछ फाइल ऐसी ऐड करी है, दोज फाइल्स आर फॉर एंटायर कोर्स. फॉर एग्जाम्पल टाइम टेबल, देन अटेंडेंस शीट यू कैन सी, प्रिपरेटरी वीडियो 1 एंड 2. सो वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू, द अपर पार्ट यू हैव टू यूज फॉर द थिंग्स विच आर अप्लीकेबल टू योर होल पेपर. इफ यू वॉन्ट टू ऐड अ कम्प्लीट सिलेबस विच इज अप्लीकेबल टू कम्प्लीट पेपर, दैट पार्ट यू नीड टू ऐड इन द फर्स्ट. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऐड एन एक्टिविटी एंड रिसोर्स. फॉर एग्जाम्पल यूनिट 4 की या तो यूनिट 3 की कुछ चीज़ें अगर आपको ऐड करनी है तो वो गलती से पहले पार्ट में मत ऐड करिए. गो इन वेरी सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज वे. तो ये पहला वाला जो पार्ट है, फर्स्ट एडिट एंड एड रिसोर्स, दिस पार्ट यू हैव टू यूज फॉर दोज डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर कम्प्लीट पेपर. कम्प्लीट पेपर का सिलेबस अगर आपको डालना है तो वो आप यहाँ पे डालिए. बुक्स की जो लिंक आपको डालनी है, जो पूरे पेपर के लिए एक आधा बुक होगा उसकी लिंक अगर आपको यहाँ पे डालनी है तो यू यूज दिस अपर पोर्शन फॉर सच डॉक्यूमेंट्स विच आर अप्लीकेबल फॉर कम्प्लीट पेपर. आर यू गेटिंग? और इफ यू वॉन्ट टू गिव जनरल इंस्ट्रक्शंस और एनी नोटिस और एनी की पॉइंट्स रिलेटेड टू पेपर इफ यू वॉन्ट टू शो, तो एवरी टाइम यू नीड टू यूज दिस अपर पोर्शन एंड देन यू विल स्टार्ट विथ यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3. आर यू गेटिंग? ओके सो नाउ वी विल आई विल एड एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट बट बिफोर दैट आई विल शो यू हाउ टू चेंज दिस बिकॉज नाउ आई वॉन्ट टू चेंज दिस टॉपिक वर्ड बाय यूनिट वर्ड. I want to make it unit 1, unit 2, unit 3. So you can see this pencil icon. ये pencil icon पे मैं click कर रही हूँ. I will add here unit 1. And यहाँ पे देखिए friends क्या लिखा है, escape to cancel and enter when finish. तो आपको माउस से बाजू में अगर क्लिक करते हैं, मैं करके दिखाती हूँ, मैं अपने लैपटॉप का जो कीपैड है वहाँ से या तो माउस का मैं अगर क्लिक करती हूँ तो इट विल नॉट गेट चेंज्ड. आपको कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करना है तभी वो चेंज होगा. यूनिट 1 एंड आई एम नाउ क्लिकिंग ऑन एंटर फ्रॉम द कीबोर्ड. स्टेप समझ ले सगन्ना, क्या करना है? क्लिक ऑन दिस पेंसिल आइकॉन, चेंज इट टू यूनिट वॉट एवर इट मे बी एंड देन क्लिक ऑन एंटर फ्रॉम द कीबोर्ड. लाइकवाइज यू कैन चेंज नंबर ऑफ यूनिट्स. Got it? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. Now, yes, ma'am. As a practice or for your seminar purpose, out of these many units, you have to prepare a single unit adding all the types of files, folders, links, जो मैं अभी आपको बताऊंगी. कोई भी एक यूनिट को अच्छे से फ्रेम करिए. सो उसको कैसे फ्रेम करना है दैट ऑल्सो आई विल शो यू. जिस यूनिट से रिलेटेड आपको रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज ऐड करनी है, द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज ऑफ वन पर्टिकुलर यूनिट विच यू वॉन्ट टू ऐड, इन दैट लाइन यू कैन सी ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स. सो क्लिक ऑन ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव यूनिट. Anybody can tell me the difference between resources and activities? Resources are learning materials. Yeah. Resources are the study material and activities?
जिसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे बट टू सॉल्व दोज एक्टिविटीज पार्टिसिपेंट्स नीड देयर ओन यूजर नेम एंड पासवर्ड बट टू व्यू द रिसोर्सेज देयर इज नो नीड ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड दिस कंसेप्ट यू हैव टू रिमेंबर just to view the course there is no need of username and password if you have given guest access to your course that also I will explain how to give guest access but if anybody wants to participate in quizzes and assignment then there must be compulsorily user id and password for one particular student or participant so moodle apne ko provide karta hai ye all mein agar jaate hain to ye pura mixture aapko dikhega अगर मैं एक्टिविटीज़ पे क्लिक करती हूँ यू विल गेट दीज मेनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ बट फॉर अवर दिस रिफ्रेशर कोर वी विल एक्सप्लोर ओनली दीज टू एक्टिविटीज़ क्विज एंड असाइनमेंट देन इफ यू क्लिक ऑन रिसोर्सेस यू कैन ऐड स्टडी मटेरियल इन दीज पर्टिकुलर फॉर्मेट्स बट मोस्ट प्रेफरेबल फॉर्मेट जो हमेशा मैं सजेस्ट करूँगी कि आप URL के फॉर्मेट में ही डालिए बिकॉज टू कर्टल द स्पेस जो आपको स्पेस का जो डिसएडवांटेज लगता है कि जितनी बड़ी बड़ी फाइल्स आप ऐड करेंगे उतनी अपनी स्पेस धीरे धीरे कम होगी बट फॉर प्रैक्टिस नाउ राइट नाउ यू वॉन्ट टू ऐड वर्ड फाइल PDF PPT URL सभी चीज़ें आपको ऐड करके देखनी है सो वन बाय वन वी विल गो फर्स्ट आई विल जस्ट ऐड अ लेबल वॉट डू यू मीन बाय लेबल इन दिस रिस्पेक्ट लेबल इज नथिंग बट द हेडिंग तो मैं एक हेडिंग ऐड करूंगी यूनिट वन में बाय क्लिकिंग ऑन कहाँ पे थे अपन मैं फिर से बता रही हूँ यूनिट वन के लाइन में जो ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स दिख रहा है आई एम क्लिकिंग ऑन दैट देन आई विल क्लिक ऑन रिसोर्सेज इन रिसोर्सेज यू विल गेट लेबल लेबल मतलब हेडिंग जो मुझे देना है हेडिंग व्हाट आई वांट टू गिव इज ई रिसोर्सेज ऑफ यूनिट वन सपोज ई रिसोर्सेज ऑफ यूनिट one as it is a heading I will make its font somewhat bigger I'll make it bold if you want it italic kariye ye color palette bhi main thoda change karti hu ye main bataungi ki isko lana kaise hai baad mein and just don't make any changes in these tab just go down and save and return to course ये मैंने हेडिंग दे दिया है यहाँ पे ई रिसोर्सेस ऑफ यूनिट वन नाउ आई वांट टू अपलोड वन बाय वन टाइप ऑफ रिसोर्सेस फर्स्ट आई विल ऐड वर्ड फाइल और योर नोट्स जो भी मैंने आपको लाने के लिए बताए थे सो एक स्टेप मैं बताऊंगी बाकी के सारे स्टेप उसी के जैसे आपको रिपीट करने हैं ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स रिसोर्सेस में जाएंगे वर्ड PPT एंड PDF किस सेक्शन में आएंगे फ्रेंड्स ये वाले सेक्शन में बिकॉज ऑल थ्री आर द टाइप्स ऑफ फाइल्स सो आई विल क्लिक ऑन फाइल सपोज आई विल ऐड नोट्स ऑफ CS सपोज इट इज द नेम ऑफ द फाइल एंड दिस प्लेस इज कंपल्सरी बिकॉज इट इज अ रेड मार्क बाकी कहीं पे भी कुछ भी मत चेंजेस करिए जस्ट स्क्रॉल डाउन द पेज एंड हियर यू कैन सी सिलेक्ट फाइल्स में फर्स्ट आइकॉन आपको दिख रहा है ऐड आई एम क्लिकिंग ऑन ऐड दिस इज वेरी मच फैमिलियर चूज फाइल वेयर एवर योर नोट्स आर सेव्ड टेक दैट पर्टिकुलर फाइल आई विल चेक इधर एनी वर्ड फाइल सपोज दीज आर माई नोट्स It is not a notes. It is my biodata, but I am just uploading it. Open. Upload this file. This file now appear in this box, but it is not yet saved. So I am scrolling down the page, save and display. See, can you see this first file, word file, notes of CS? Hello. Yes, madam. Yeah. ठीक है.
In this way, you can add number of word, number of PDF, number of PPTs of that particular unit. अभी देखिए अगर इस के लाइन में अगर आप जाते हैं, you can see this edit option. If you want to hide this, you can hide it from the student. मतलब पहले से अगर आप add करके रखते हैं, but बच्चों को अगर वो कल दिखाना है, जैसे मैंने अभी आप लोगों के साथ जैसे हो रहा है कि मैंने सभी चीज़ें add करके रखी थी, but एक-एक दिन एक-एक show हो रहा था. So likewise, you can prepare everything, but you clicked on hide, तो वो बच्चों को दिखना बंद हो जाएगा. So you can hide it, you can make duplicate. फिलहाल assign role का मैं अभी नहीं बताती हूँ, that we will move on today. If you want to delete the file, you can delete from here. अभी देखिए यहाँ पे एक option दिया है move right. So it is just for making it is in organized way. You can shift it to the right side. Right side मतलब वो थोड़ा heading के नीचे आ जाएगा. Yes. Hello, ma'am. Yes. एक मिनट थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है. जस्ट अ मिनट. जी. आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? जी मैम. हाँ बोलिए. यस मैम आ रही है. यस बोलिए बोलिए. किसी को कुछ पूछना है? हाइट में थे, उसके बाद नेटवर्क इश्यू हो गया. यस यस आई एम मूविंग इट टू राइट. यस अभी देखिए ये थोड़ा सा हेडिंग है ये अपना, उसके नीचे अभी अपने एक एक नोट्स ऐड होंगे. फिर से ये स्टेप मैं रिपीट करती हूँ, बट उसकी स्टेप्स आप लोग बताइए. इफ आई वांट टू ऐड वन मोर फाइल, आइदर पीपीटी और पीडीएफ और वर्ड, व्हाट आई विल डू फर्स्ट? Add an activity and resource. Yeah. Next. Resource. Yeah. Resource. Then click on file. Then file. Then. Name of the file. Then file. Name of the file. Any notes I am giving. Name of the file. Notes on operating system. ठीक है. हाँ. Next. ये कौन है बात करते रहे? नेक्स्ट सर बीजी बोल दे. वी हैव टू अपलोड द फाइल. अपलोड फॉर अपलोडिंग द फाइल. सेलेक्ट द फाइल. सेलेक्ट फाइल में ये फर्स्ट आइकॉन जो है दैट यू हैव टू सेलेक्ट. काला जाग पूछ लो. बोल सर प्लीज म्यूट करिए. किसका ऑन है मुझे नाम नहीं दिख रहा है अभी ये स्क्रीन शेयरिंग में. देन सेलेक्ट फाइल. आई विल चेक एनी पीडीएफ इज देयर. यस वन पीडीएफ इज देयर विद मी. Clicking on that particular file, then open, upload. Depending upon the file size, it takes time. Yeah. And finally, save and display. वो टू यूनिट वन. ये डायरेक्टली वैसे डिस्प्ले होना चाहिए बट आज पता नहीं. एनी वेज सेव एंड डिस्प्ले में जाएंगे. आई एम मूविंग टू इट्स टू राइट. सो फ्रेंड्स इन दिस वे यू कैन ऐड नंबर ऑफ पीडीएफ पीपीटीज एंड वर्ड फाइल एज अ रीडिंग मटेरियल और रिसोर्सेज और नोट्स और स्टडी मटेरियल फॉर द स्टूडेंट्स. यस मार्क एस डन इज कमिंग मैडम. यस सर इट इज. यस यस इट इज अ. Yes, it in each item you can see mark as done, but it is not having that much significance. So, अगर आप इसको नहीं भी mark as done करते हैं तो let it as it is. ये पहले नहीं आता था. It is just now it is showing an update as mark as done. अगर but leave okay, it. Don't make any changes here. Okay. Madam. Okay. So, आप लोग कर पाएंगे resources add word file PDF. Yes, madam. बट अगर आप ये वर्ड फाइल और पीडीएफ ऐड करते जाएंगे आपकी जो मूडल की स्पेस है तो वो स्पेस धीरे धीरे कम होगी. सो टू अवॉइड दैट वी विल ऐड ऑल द रिसोर्सेज एंड स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूआरएल और इन द फॉर्म ऑफ लिंक. सो नाउ आई विल शो यू दोज स्टेप्स हाउ टू ऐड यूआरएल. वेरी सिंपल स्टेप्स. सेम स्टेप्स है. अगेन गो टू ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स. Resources. Can you see this URL option? Hello. Sir,
इसके पहले अपन गए थे फ्रेंड्स फाइल में, लेबल ऐड कर दिया, फाइल ऐड कर दिए, बट इसका जो डिसएडवांटेज था साइज वाला, दैट आई हैव टू रोल आउट बाय गिविंग यूआरएल. सो नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन यूआरएल. सपोज लिंक ऑफ नोट्स, सपोज आई एम गिविंग दैट टाइटल. नाउ यू हैव टू पेस्ट द लिंक. फ्रॉम वेयर यू विल गेट द लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट? Provided your notes or reading material should be saved in your G drive. G drive में आपके वो सारे notes या तो reading material save होने चाहिए. आपको ये जो सारी files है या तो notes से वो पहले G drive में save करके रखने होंगे. Suppose I am taking for a practice purpose any document. For example, this registration form I'll take. If this is your notes file, so go to your G drive, right click, ये आपको भी पता है, get link. Copy link, go to Moodle, paste that link here. Don't make any changes in the any of the tab, just go and save and return to course or save and display, whatever the option you want, you can do it. See friends, this is a difference between file and URL. File icon look like this. This is Word file, PDF and PPT if you add, and this is a link for our that document. So I hope you understood these particular steps, how to add e-resources or how to add resources or notes in the form of file. Again, if you want to add folder, their folder option is also there, but disadvantage wahi rahega, agar folder add karte hain to size ka problem aa sakta hai. Yahan pe folder ka bhi option unhone diya hai. Ek aur cheez yahan pe additional hai, to add page. Page ka matlab yahan pe ye hota hai कि डायरेक्ट अगर इंस्ट्रक्शंस आपको शो करनी है, कोई भी फाइल अगर आप अपलोड करते हैं, इफ़ एनी फाइल यू विल अपलोड, दैट फाइल फर्स्ट डाउनलोड इन दैट स्टूडेंट्स लैपटॉप और डेस्कटॉप. बट द एडवांटेज और द सिम्बॉलिक साइन ऑफ द पेज इज, इफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट क्लिक ऑन द पेज, द कंप्लीट मटेरियल विल ओपन विदाउट डाउनलोडिंग इन द रिस्पेक्टिव कंप्यूटर. आई विल एड पेज फॉर्मैट. पेज में आपको जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना है, पेज कंटेंट का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा. जो भी आपको इस पेज में ऐड करना है, इंस्ट्रक्शंस और नोट्स, ब्रीफ, अकाउंट अगर किसी का आपको लिखना है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. जस्ट स्क्रॉल इट डाउन एंड सेव एंड रिटर्न टू कोर्स. सो दिस इज अ सिंबल फॉर पेज. अगर मैं ये पेज फॉर्मेट पे क्लिक करती हूँ तो ये डायरेक्टली वो नोट शो करेगा विदाउट डाउनलोडिंग दैट पर्टिकुलर फाइल. तो दिस इज द एडवांटेज बिटवीन वर्ड फाइल और एनी ऑफ द फाइल एंड द पेज फॉर्मेट. तो आप ये भी एक चीज ट्राई करके देखिए. सो नाउ आई विल गिव यू अगेन 15 मिनट्स टाइम टू कवर दिस मच टास्क, और टिल 12:30 आप लोग इसको करिए. इन बिटवीन किसी को कुछ डिफिकल्टी होगी तो आई विल सॉल्व दैट. कैन यू एबल टू डू दिस? Yes, madam. Yeah, please start. Yes, madam. Yes. Yes, madam. Move right का मतलब उसका order set करना है क्या? मतलब उसके बाद और कुछ contents है? नहीं, देखिए मैम, ये heading है ना, अपन heading कैसे एक साइड में लिखते हैं और उसके नीचे सब headings या तो सब points देते हैं. तो उसका मतलब यही है कि हाँ. और एक चीज आपने अच्छी पूछी कि अगर मेरा ये सिक्वेंस बदल गया है, इफ आई वॉन्ट टू चेंज द सिक्वेंस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स, can you see this plus icon? Yes. You can drag the files. Yes, you can drag the files. ये भी आप कर सकते हैं. ठीक है? चलिए करके देखिए, perform करिए, do it, and if you face any difficulty, please unmute and ask. हाँ, तब तक एक सर ने पूछा था how to delete the course, that I will show. चलिए परफॉर्म करना स्टार्ट करिए. तब तक आई पॉज द रिकॉर्डिंग. सिंपल, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट टू मेक योर कोर्स मोर अट्रैक्टिव दिस पार्ट इज देयर. हाउ टू ऐड कलर पैलेट. राइट नाउ इफ यू क्लिक ऑन, अगर आप कोई भी एडिट सेक्शन में जाते हैं, इफ यू क्लिक ऑन एनी एडिट सेक्शन ऑफ योर पेपर,
you can see these many templates, font, bold, italic, center, horizontal, link, and so on. And if you maximize this, you can see some more options, including HTML. But here you can't see any color fonts, font color or text color icon is not there right now. So now we will see how to on those applications. So for that, go to site. Screen is not visible. Visible, visible, ma'am. Okay. Yes, yes. Sir, go to site administration. Just note down the steps. Go to site administration to add the color palette. Click on site administration. Then such type of page will appear. There, friends, you can see plugins. Can you see this plugins option? Yes, ma'am. Yeah, so yes, click on plugins. After clicking on plugins, scroll down the page. बहुत नीचे आपको आना है, एकदम bottom में आपको दिखेगा text editors. Text editor के line में first icon दिया है, तो option दिया है manage editors. Click on manage editors. Now just look at the screen. Can you see this somewhat table, tabular form दिख रहा है आपको? Yeah, yes, so automatically there is, or by default, this auto HTML editor is at the top. What you have to do is this tiny MCE HTML editor. Iske samne aapko ye do upward and one downward arrow is there. Aapko click karna hai ye upward arrow pe. Click on this upward arrow, which is in front of this tiny MCE editor. Ye upward arrow pe click karenge to ye jo tiny MCE hai wo upar jayega. Just I am clicking it. Move up. Now you see the difference. This tiny MCE icon is at the top, and then auto HTML. Bus. That's it. You have to do. There is no asset save changes वगैरह का tab नहीं है. बस इतना करिए. और उसके बाद एक बार counter check करने के लिए आप लोग वो edit section में जाइए. इस button को expand करिए. And now this color combinations are there. Background color you can change, text color you can change. Got it? Yes, ma'am. Simple steps hai. Site administration mein gaya apan. Second step tha plugins. Plugins mein jaane ke baad text editor mein pehla tha manage editors. Manage editor mein wo jo table hai, usme tiny MCE wala jo hai, usko up karna hai. That's it. तो अगर इतना आप कर लेते हैं तो अपना अभी प्री लंच वाला सेशन वी विल वाइंड अप हियर एंड हैव अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर. वी विल मीट एट 1 o'clock. विल इट बी ओके? यस मैम. ओके. यस. या सो नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग. आई विल स्टार्ट एट 1 o'clock. यू जस्ट कंप्लीट द स्टेप्स टिल नाउ इफ पॉसिबल. फाइन मैडम? यस मैम. ओके चलिए. तुम्ही आता जस्ट पूर्ण साइट ला शेअर करून द्याल का? कारण की माझ्याकडे पॉवर अप झालं होतं मध्ये, तर माझं पूर्ण हो सर हे सेव होईल. आता मी पाठवते, शेअर करते. ठीक आहे, चलिए. वी विल मीट एट 1 o'clock. ओके.